हमारी लड़की तब नहीं मिलेगी मुझको। बाबा संभालिए, आप बैठो ना, ये कंडीशन में नहीं है आप जितना। ठीक है, और ये वही जगह है जहाँ वो गाड़ी उस तरफ से लेकर आया था, सामने की तरफ से लेकर आया। नसीरपुर गांव में बुलेरो गाड़ी की चपेट में आने से दो मासूमों की मौत हो गई। ऐसे में तमाम क्षेत्रीय नेता परिवार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने दोनों बच्चों के परिवारों को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी, तो वहीं द्वारका विधानसभा से उपाध्यक्ष अमित कनौजिया व ज्योति कनौजिया भी परिवार के दुख में शरीक हुए। अमित कनौजिया ने दोनों परिवारों को सहायता राशि दी और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। देखिए परवीन भाई, जो घटना थी बड़ी दुखद है, हम इसकी निंदा करते हैं। एक दो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे और एक गाड़ी आती है और गाड़ी मेन रोड पे भी नहीं, बच्चे साइड में खेल रहे हैं और वहाँ पे बच्चों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, दोनों बच्चों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक लड़का था, एक लड़की थी, और जो लड़का बेचारा इनका इकलौता छोटा सा बच्चा था, उसके पिता का रो रो के बुरा हाल है, माँ का बुरा हाल है। बहुत गरीब परिवार है और बहुत गरीब परिवार है। कल हमारे माननीय पूर्व सांसद श्री महाबल मिश्रा जी भी आए थे, परिवार को सांत्वना दी। अब हम सांत्वना दे सकते हैं परिवार के दुख में, हम बिल्कुल पूरा, हम भी दुखी हैं, शरीक हैं पूरा, और हम कोशिश करेंगे प्रशासन से जो भी कड़ी से कड़ी सजा उस ड्राइवर को दिलाई जा सके। माँ का तो बहुत बुरा हाल है, दोनों माँ से मैं मिली हूँ, रो के इन दोनों का बहुत बुरा हाल है। इस तरह से ये ट्रक वाले जो गाड़ी चलाते हैं, इनको पहले तो लाइसेंस देना ही नहीं चाहिए। ये गली मोहल्ले में भी इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, इस तरह से तो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए। 100% लापरवाही, और इतनी स्पीड पे गाड़ी थी, अगर स्पीड पर नहीं होती तो ये हादसा नहीं होता। दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, आंखों में आंसू लिए परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। दुख का समय है, सवाल भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कहेंगे, कितना बड़ा लॉस, कितनी बड़ी चीज़ आपने खो दी है। सर मैंने तो अपनी जान खो दी, मेरा सारा जिगर खो दिया सर, मैंने तो अपना लाल खो दिया, मैंने तो अपना जिगर का टुकड़ा खो दिया सर, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, रोटी भी मेरे बगैर नहीं खाता वो, शाम को तो फिर मुझे मेरे साथ ही खाता, चाय भी सुबह को मेरे साथ ही पीवे था वो, सुबह को काम में जाऊँगा तो पापा के कुछ पैसे ले तो पापा पैसे दे दो, चीज लूंगा मैं। आखिरी कोई याद बच्चे की आप जुड़े जुड़ी हो सर? याद तो उसकी बहुत है विजय, याद तो उसकी सब कुछ है विजय, मुझसे पैसे मांगे करता चीज के लिए, वो सुबह सुबह कहाँ पे जाऊँगा वो पैसा चीज के लिए पैसे मांगे करता, केक की दुकान है आप केक के लिए पैसे मांगे था मुझसे, वो पापा केक खाऊंगा केक के लिए पैसे दे दो ना दे तो मेरी जेब खन खन खराब है, वो पापा तुम्हारी जेब देखो मैं तुम झूठ बोल रहा हूँ, इससे है पैसे है तुम्हारे पास करवाइए सर। बच्चे और पुलिस वालों ने सही से नहीं बताया हमें कुछ भी, पता नहीं बच्चे पुलिस वाले ने पता झूठ बोला है सच बोला है, पता नहीं पकड़ भी रखा नहीं पकड़ रखा पुलिस वालों ने, उन्हें पुलिस वालों ने कोई जानकारी नहीं दी आपको? उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी हमें अभी। देखो सर ये तो गए प्रेजेंट में नहीं थे हम जो बता सकते हैं, पर ये है कि कुछ वो सुल्पा वगैरह भांग वगैरह कुछ नशा इस तरीके से करता था, बस वो शायद हो सकता है उस नशे में हो, ड्रिंक का तो उस टाइम खैर समय भी नहीं था, तो बस यही कह सकते हैं फिलहाल, बस अब गवर्नमेंट से प्रशासन से यही है कि जो इनके हालात हैं उनको आर्थिक सहायता की मदद है वो दी जाए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा दर्द आपको दिया है कल के हादसे? अब तो भगवान जाने हमारा तो करेजा बढ़ रहा।
हमारी लड़की तब नहीं मिलेगी मुझको। हमारी पोती है, हम ही बैठे थे इधर से गाड़ी लेकर आया, ये तो इसको बुलाया गया, काम कर रही थी। मेरा लड़का कमजोर है, पागल है, मैं विधा आदमी है, 100 साल की उम्र है मेरी। महाबल मिश्रा से मैं फोन किया तो आए कलम, अभी मैं आ रहा हूँ। तो आप ये बताइए, क्या आपको लापरवाही नजर आ रही है? ड्राइवर जो चला रहा था गाड़ी, ड्राइवर तो रिपीट में लेके गया है, लापरवाही है बिल्कुल। रिपीट में हम यही बैठा हूँ, यही कुर्सी पे। तो आपको लगता है उसने नशा वशा भी किया हुआ था? कुछ नशा किया था वो। अच्छा। हाँ नशा किया था, नशा में था। एक बैग का लड़की है वो, एक उसका खून मेरे पोती का है। हमने देख लिया, वो बैठ जाओ आप दोबारा, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं यहाँ बैठा हूँ, वो बेचारा नाई बैठा था, हम नाई यहाँ बैठे थे। सारी बयान हमारी है, हम हमारी पोती है। अभी अभी आप जैसे जितना लोग बन पा रहा है, लोग अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, आप क्या मांग करते हैं अभी सरकार से? हमारी बेटी चली गई, हम क्या मांग करूं? तो भगवान को जो मंजूर था वो बोला ही नहीं, सौ साल के उम्र हमें पैसा मांग मांग रहे। आप चाहेंगे अगर ड्राइवर की गलती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए? जैसा सरकार करे हम कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमारी ये दशा, ये उम्र में मेरी मर गई, मेरा बाप मरा, मेरा बेटा मरा, मेरी माँ मरी, नहीं दुख हुआ। लेकिन ये लड़की के साथ मेरी बहनी। और ये वही जगह है जहाँ वो गाड़ी उस तरफ से लेकर आया था, सामने की तरफ से लेकर आया, और यहाँ इस खाली प्लॉट में वो गाड़ी पार्किंग करना चाहता था, बुलेरो जो बड़ी गाड़ी होती है, और बताया ये जा रहा है कि मार्बल वाली गाड़ी थी, जो मार्बल ढोती थी। इस जगह पर दोनों बच्चे खेल रहे थे, गाड़ी बैक कर रहा था पार्किंग करने के लिए, तभी बच्चे गाड़ी के टायर के नीचे आ गए और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ये खून के धब्बे इस चीज़ के गवाह हैं कि कितना दर्दनाक वो हादसा हुआ रहा होगा और कितनी दर्दनाक वो मौत रही होगी बच्चों की। हालांकि कई सारे नेता ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के परिवार से मिल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, अनुदान राशि दे रहे हैं। वहीं परिवार वालों की मांग है कि उन्हें अनुदान राशि नहीं बल्कि इंसाफ भी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि किस स्थिति में ड्राइवर था, क्या उसने ड्रिंक भी की हुई थी, और अगर वो कसूरवार है तो निश्चित तौर पर उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट विशाल के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। प्रशासन से अपील करता है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और पीड़ितों को इंसाफ मिले। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।